आज आपसी लेन देन को लेकर लाठियां और गंडासियां चली, जिसमें सुखदीप नाम के व्यक्ति को आई गंभीर चोटें। सुखदीप को गुला के सरकारी अस्पताल में करवाया गया था भर्ती। डॉक्टरों ने सुखदीप को ज़्यादा गंभीर अवस्था में देख किया कैथल सरकारी हॉस्पिटल में रेफर। गुला के डॉक्टर से जानकारी ली तो डॉक्टर ने बताया कि हमारे पास लड़ाई झगड़े का एक केस आया, जिसमें सुखदीप नाम के एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई थीं। उसे गंभीर देखते हुए हमने कैथल रेफर कर दिया है और बाकी अन्य को गंभीर ना देखते हुए यही एडमिट कर लिया गया। फोन आ रहे जी, बार बार फोन आ रहे थे कि इनको यहाँ पर आ जाए समझौता करना। आए थे समझौता करने के लिए, वहाँ थे काफी जने, उन्हें अंधे सारे चल रहे मोटरसाइकिल पर एकदम बार कर, कितने थे? कम से कम 15-20 जने तलवार ले रहे थे। तलवार गंडा से इसके सिर में मारा, ये इंटा वगैरह पड़ा, इंटा के बाद उसके नीचे चोट लगी, नीचे खांसी मारी और पीछे फिर पग पड़े, 3 मोटरसाइकिल तोड़ दिए। कुछ नहीं भाई साहब, ऐसे मेरे चाय की दुकान में बैठा था, वो 4-5 आदमी आए, उन्होंने डंडा की बरसात कर दी, उसके बाद वो जान से मरने की धमकी दे गया कि मैं आ रहे हूँ आधा घंटा में। ऐसे मैंने बचाव के लिए 2-4 बंदे बुला लिए, मैं भाई नहीं बताता हूँ। फिर सुक्का लाठी अजय और भी 15-20 आदमी थे उसके साथ जी, कृपान ने तलवारें ले रहे थे, कृपान ने तलवारें ले गए, उन्हें सीधा आके हमला कर दिया हम पे। सर उनमें से कुछ पेशेंट थे जो थोड़े ज़्यादा सीरियस थे, कुछ पेशेंट थे जो थोड़े कम सीरियस थे, तो उनमें से जो पेशेंट सीरियस थे उनको हमने जो ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है, उनके जो इंजरीज हैं वो हमने नोट की हैं, उनका पर्चा काटा है और उनको हमने फर्दर ओपिनियन के लिए हायर सेंटर में रेफर किया है। जो पेशेंट स्टेबल हैं, जो हमारे पास ट्रीट हो सकते हैं, वो उनको हमने ट्रीट किया है, वो अभी भी हमारे पास आ रहे हैं। अभी तक जब देखिए वो 2 बजे पेशेंट आए थे, 2 से लेकर 3:30 बजे तक अभी हम उनके पर्चे ही काट रहे हैं। वो करने के बाद उसके बाद हम उसमें सबसे ज़्यादा